जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेकर ये खत्म होगी। ये डायलॉग है सलमान खान की आने वाली फिल्म रेस 3 का। दोस्तों इसका ट्रेलर आ चुका है और मैं आपके पास लेके आ गया हूँ इसका पूरा रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत होती है सलमान खान से ही, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था वीडियोस में, इस ट्रेलर को सलमान खान को डोमिनेट रख के बनाया गया है और जो जो हमने बताया था वही भाई इसमें ट्रेलर में है। बस जो इसकी टाइमिंग है जो हमने आपको बताई थी कि 2 मिनट 50 सेकंड का आएगा वो गलत साबित हुई और ये ट्रेलर है 3 मिनट 22 सेकंड का लगभग। अब बात करते हैं ट्रेलर में एक बार फिर से फैमिली ड्रामा जो बॉलीवुड में चलता रहता है लेकिन उसको कुछ अलग ही अंदाज में पेश किया है रेमो डिसूजा ने। सलमान खान को लेकर आए हैं इस बार रेमो, सैफ अली खान को रिप्लेस कर रहे हैं रेस की फ्रेंचाइजी में सलमान खान। सिकंदर के अवतार में लाजवाब नजर आ रहे हैं, उनके डायलॉग डिलीवरी तो आप जानते ही हैं, सलमान जब भी डायलॉग बोलते हैं तो थिएटर में सीटियां तालियां और अच्छी तरह से बज जाती है। वहीं ये फिल्म खास इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से अनिल कपूर भी नजर आने वाले हैं रेस की फ्रेंचाइजी में अलग लुक के साथ में। वहीं बॉबी देओल भी कमबैक कर रहे हैं रेस 3 में बॉलीवुड में और साथ में उन्होंने भी अपना शर्टलेस अवतार दिखाया है। रेस की शुरुआत होती है एक एक्शन हीरो के एंट्री से, पहले सलमान खान, फिर अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह, शाकिब सलीम को और बॉबी देओल को ध्यान में रखकर ट्रेलर बनाया गया है। जो हमने आपको बताया था संजना यानी कि डेजी शाह भी फिल्म में एक्शन करती नजर आ रही है जिसकी झलक हमें ट्रेलर में देखने को मिल गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि संजना और जैसिका में होने वाली है लड़ाई, मतलब एक दूसरे से कहते हैं बैटल, एक दो दो जिन आपस में लड़ते हैं वो लड़ाई होने वाली है। एक्ट्रेसेस में ये बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है जब जैसिका यानी कि जैकलिन फर्नांडिस और संजना यानी कि डेजी शाह एक दूसरे से लड़ाई करती हुई दिखाई देंगी। ट्रेलर में बॉबी देओल और सलमान खान को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं दिखाया बल्कि उनको एक साथ दिखाया गया है, जबकि आप कहानी का प्लॉट देखेंगे तो इनमें से विलन निकल कर आएंगे बॉबी देओल। शाकिब सलीम यहाँ पर सलमान खान की फैमिली मेंबर है और ये पूरी कहानी बिजनेस की इर्द गिर्द है, किस तरीके से फैमिली में बिजनेस है और प्रॉफिट को लेकर आप जानते हैं कई ड्रामेटिक फिल्म आपने देखी होगी बॉलीवुड में, लेकिन अगर इस ड्रामे को हम एक्शन के साथ जोड़ दें तो बनकर आती है रेस 3, पूरी तरीके से एक्शन पैक फिल्म। इस फिल्म का ट्रेलर तो वाकई में A1 ट्रेलर है, अब तक बॉलीवुड में ऐसा ट्रेलर मैंने नहीं देखा। खास बात तो ये है ट्रेलर की फुल ऑफ एक्शन के साथ साथ एक एक सीन में आपको रियलिटी देखने को मिलेगी, यानी कि कोई फेकोलॉजी जो बॉलीवुड में कई बार देखने को मिल जाती है एक्शन सिक्वेंस में नहीं मिलेगी। कई कई लोग हो सकता है इसका कंपेयर फास्ट एंड फ्यूरियस से करते हैं लेकिन ये फिल्म का तर्ज बिल्कुल उससे अलग होगा। सलमान खान जो सिकंदर है वाकई में लाजवाब है, रेमो डिसूजा का डायरेक्शन, उनकी लोकेशन एक नंबर है, साथ में सलमान का शटलर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिल गया ट्रेलर में। कुल मिलाकर आज से एक महीने बाद रेस 3 का धमाका होने वाला है जून में, तो दोस्तों सलमान खान आपको ईद की ईद देने आ रहे हैं रेस 3 से। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स आपका है, जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें देखो देखो ताकि मैं आप तक खबर लाऊं सबसे पहले।